अलैकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी पूरियाँ बनाना। ये मेरे भाई ने रिक्वेस्ट की थी तो आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। सिंपली आपको इसकी कुछ खास चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, आपको मैदे की ज़रूरत होती है। इसमें काफ़ी दफ़ा लोग आटा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल वाली पूरियाँ चाहिए तो वो सिर्फ मैदे के साथ बनती हैं। ये तकरीबन 1 कप भरकर है, 1/2 टी स्पून से थोड़ा कम आपको नमक चाहिए होगा और लूक वार्म वाटर की ज़रूरत होती है। तो आपको नेक्स्ट दिखा देती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। आपने सिंपली पहले इसमें नमक ऐड कर लेना है, और जिस तरह हम आटे को गूंथते हैं पानी की क्वांटिटी आपने ज़्यादा नहीं रखनी। तो पहले आप नमक को बीच में ऐड कर लें, मिक्स कर लें अच्छी तरह, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी ऐड करना है ताकि आपका जो मैदा है वो आटे के फॉर्म में आ जाए, ना कि बिल्कुल ही पतला हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि पूरियों के लिए जो होता है आटा ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो यूँ पानी मिलाकर तो ऐड कर लें। तो यहाँ पर आप देख लें कि जब सारा आपका जो मैदा है वो मिल जाता है आटे की शेप में, आपने सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल लेना है। सिर्फ ने अपने पोटे जो होते हैं एंड ऑफ द फिंगर, आपने सिर्फ इसको हल्का सा गीला करना है ताकि आपके हाथ में मैदा ना चिपके, और आपने इसको यूँ हल्का सा गूंद लेना है। गूंद लेने के बाद आप इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख दें, और उसके बाद में इसकी पूरियाँ बना लें। तो इसको 5 मिनट की रख देते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरियाँ किस तरह की बनेंगी। यहाँ पर आप देख लें, अब आपको पूरियाँ बनाना बता रही हूँ किस तरह बनाना है। थोड़ा सा आपको मैदे की ज़रूरत होगी, और जिस तरह मैंने आपको क्वांटिटी बताई है मैदे की पूरियों के लिए, आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा गूंथ सकते हैं। तो पेड़े आपने जी बिल्कुल छोटे बनाने हैं, मैं आपको साइज़ दिखा देती हूँ, वरना फिर ये बहुत मोटे बनते हैं। तो आप देख लें, इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ इसका नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही साइज़ होता है। और आप इसको यूँ करेंगे जैसे आप रोटी ही बनाते हैं, जो उसको फोल्डिंग करनी होती है अंदर की साइड। यूँ पेड़े बनाकर एक साइड पर रखते जाएं, जितने आपने बनाने। तो पहले थोड़े से पेड़े बना लेते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने इसको फ्राई किस तरह करना है। तो आपने क्या करना है कि पहले इसको हल्का सा फ्लैट कर लेना है, और यूँ अपने उंगलियों के दरमियान में आपने इसकी साइडें जो थोड़ी सी बारीक कर लेनी है, और उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चंद बेल के रखे हुए, क्योंकि पूरियाँ जो होती हैं ये बहुत जल्दी जल्दी फ्राई होती जाती हैं। तो इसीलिए आपको ये होता है कि आप जिस तरह पेड़े बनाएं और साथ ही रोटी बेलते जाएं और एक साइड पे रखते जाएं, ताकि जब आप घी में डालें तो एक निकल जाती है साथ ही दूसरी, साथ ही तीसरी, तो ये साथ साथ ही बनता रहता है। इसको आपने यूँ बेल लेना है जिसी तरह आप रोटी को बेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको आपने पतला करना है, क्योंकि ऑब्वियसली पेड़ा भी छोटा है। और तेल आपको ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, तकरीबन 1 कप जो है तेल का बहुत होगा। तो यहाँ पे आप देख लें मैंने तेल भी गरम कर रखा है फ्राइंग पैन में, चेक करने के लिए कि ऑयल गरम हो चुका है कि नहीं। आप एक छोटा सा पीस बीच में डाल के पहले चेक कर लें, आप देख लें कि वो सिजल कर रहा है। तो ये तैयार हो चुका है। आपने जो पूरी है इसको अपने हाथ पर कुछ यूँ हल्का सा आपने इसको छांट लेना है, और उसके बाद आप इसको साथ साथ तेल में डालते जाएंगे यूं करके। आप देख रहे हैं साथ साथ ही फ्राई होती जाती हैं, जैसे ही गोल्डन होगी हम इनको निकाल लेते हैं। हल्का सा इस पर आपने प्रेस करना है ताकि जो हवा की वजह से ऊपर उठी हुई है वो ज़रा थोड़ा नीचे से पक जाती हैं, और इसको फिर आप टर्न कर लें। हलवा पूरी के लिए चने तो मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुकी हूँ, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा उसके साथ में। पूरियाँ बहुत ये लाइट बनती हैं, तो इसका सिर्फ कलर थोड़ा गोल्डन हो जाए तो हम इसको निकाल कर बाकियों को भी यूं ही फ्राई कर लेंगे। पूरियाँ बनाना इतना हार्ड काम नहीं है, आपको मैंने दिखा दिया किस तरह इसको गूंथते हैं इसके आटे के लिए, पूरियों के लिए, और पूरियाँ कितनी जल्दी भी फ्राई होती हैं ये आप देख लें। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।